अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हैदर सैफुल्ला एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर जो कि मेरे नए चैनल हैदर व्लॉग्स पर अपलोड होगी। तो गाइज, आज जो मैं लेके आने वाला हूँ वो है अपने ही गांव, मेरा जो गांव है उसका एक व्लॉग है जिसमें हम कुछ वीडियो फुटेज ड्रोन के अपलोड करेंगे और उसमें दिखाएंगे कि हमारा गाँव कितना खूबसूरत दिखता है और उससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ या कुछ फैक्ट्स हम उस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो देखिएगा। राजस्थान दर्शन की कड़ी में आइए आज सैर करते हैं एक ऐसे गांव की जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए मशहूर है। वहीं इस ज़मीन से उठने वाले अफराद ने शिक्षा से लेकर प्रशासनिक सेवाओं तक अपना लोहा मनवाया। राजस्थान के पूर्वी ज़िले सवाई माधोपुर में स्थित इस गाँव का नाम है बहतेड़। तीन तरफ से पहाड़ों और एक तरफ बरसाती नदी मोरेल से घिरा हुआ ये गांव अरावली पर्वतमाला के एक छोर पर पहाड़ों की गोद में आबाद है। गांव के नामकरण के बारे में मालूम करने पर गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये मकाम अलाउद्दीन खिलजी की 72वीं चौकी होने की वजह से बहतेड़ से बदलता हुआ बहतेड़ तक हो गया है। गांव कितना प्राचीन है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहां के प्राचीन जैन मंदिर बताते हैं कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। दौरे सल्तनत के मशहूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर फतेह करने के लिए हमला किया तो ये गांव भी उसका गवाह बना। मलारना और बहतेड़ को सुल्तानी फौज की मशरकी छावनी बनाया गया। इसके आसार आज भी सल्तनत काल की तामीर, पक्की तुर्बतें और वे अजीम गुंबद है जो गालिबन किसी बड़े सूफी बुजुर्ग या बड़े फौजी कमांडर का मकबरा है। इस गुंबद में जो कतबा आवेजा था वे अब नहीं है। तकरीबन 40 साल पहले नामालूम गिरोह ने उसे गायब कर दिया। बुजुर्ग बताते हैं कि उस पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम साफ पढ़ने में आता था, मगर गुंबद का फन तामीर यानी कि स्थापत्य कला देखने पर पता चलता है कि ये गुंबद सल्तनत कालीन है। इसी तरह करीब के खोरी गांव की एक कदीम मस्जिद की तामीर भी उसी दौर की मालूम होती है। यहाँ कदीम आबादी से ज़्यादा यहाँ के पुराने कब्रिस्तान का रकबा है जिसमें हज़ारों पक्की कब्रें, कनाती मस्जिदें, हजीरे आज भी अच्छी हालात में हैं। इस ज़मीन पर अकबरी काल के अनेक प्रमाण हैं। 1568 ईस्वी में अकबर की फ़ौजों का यहाँ पड़ाव रहा। अनेक इमारतें और कब्रें इस काल की गवाह है। मलारना डूंगर की जामा मस्जिद में आज भी अकबर के काल का कतबा लगा हुआ है। बहतेड़ की जामा मस्जिद और पड़ोसी गांव खोरी के कब्रिस्तान इस बात का प्रमाण है। गांव में एक सरकारी और निजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। गांव में सभी जातियों के लोग निवास करते हैं। हिंदुओं में रैगर, बैरवा, माली, कोली, खाती, ब्राह्मण, जैन, बनिया, तेली, सुनार, कुमार, धोबी आदि उपजातियां हैं, मगर तादाद एससी की ज़्यादा है। मुसलमानों में काजी, फ़कीर, भिश्ती, लोहार, खैलदार पठान बरादरी के लोग रहते हैं। यहां खैलदार ज़मींदार बरादरी है और कस्बे की 95% काश्त की ज़मीन उन्हीं के पास है और कस्बे की आबादी भी उन्हीं की सबसे ज़्यादा है। ये बरादरी तालीम में भी सबसे आगे है। यहाँ प्रशासनिक सेवा में RAS और IAS के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। हाफिज़ अबरार अहमद इस बरादरी के पहले RAS ऑफिसर हैं और उनके बेटे जाफर मलिक राजस्थान के पहले मुस्लिम IAS ऑफिसर हैं। सरकारी सेवा के अलावा सैकड़ों नौजवान खाड़ी देशों में भी काम करके लाखों की विदेशी मुद्रा हर माह गाँव में भेजते हैं, जिससे आसपास के बाजार आबाद हैं। गाँव वासियों का प्रमुख पेशा खेती है। हजारों बीघा रकबे पर गेहूं और सरसों की फसल जब लहलहाती है तो देखते ही बनता है। गांव की विकास यात्रा कहां से शुरू हुई ये मालूम करने पर बुजुर्ग बताते हैं कि पिछली पीढ़ी में दो बुजुर्ग मौलाना अब्दुल गफूर और मौलाना नसीर खां, जो अरबी फारसी के बड़े आलिम होने के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे थे। इस गांव की तालीम और तरक्की की बुनियाद है गांव में छोटा सा मकतब यानी कि मदरसा, जो 70-80 साल से गांव में तालीम की रोशनी बिखेर रहा है। ये उन्हीं की देन है। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक सूफी बुजुर्ग की मशहूर दरगाह है।
तकरीबन 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर शहीद सैयद इस्माइल मक्की की दरगाह है। माना जाता है कि खिलजी की फौज में सूफी बुजुर्ग थे। हिंदी महीनों के हिसाब से हर साल दिवाली से 10 दिन पहले बड़ी धूमधाम से उनका उर्स मनाया जाता है। गांव की आबादी का सबसे डोमिनेंट हिस्सा मुस्लिम खैलदार बरादरी है, जो अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों में से होना बताती है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के वो सैनिक जो किलाए रणथंबोर की हिफाजत के लिए छोड़े गए थे, ये उन्हीं के वंशज हैं। जब इनकी आबादी बढ़ी तो इनमें से बाज लोग हिजरत करके राजस्थान के कोटा और झालावाड़ ज़िले में जाकर आबाद हो गए, जो वहाँ आज भी मुस्लिम ज़मींदारों के नाम से मशहूर है और इसी नाम से यानी खैलदारों के नाम से जाने जाते हैं। और खैलदार का मतलब होता है घुड़सवार या घुड़सवार सैनिकों का दस्ता।